जय हिंद। आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा बटापर का घटा यानी कि भीन का घटा। तो देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये दो नियम से मैं बताऊंगा, एक का हर समान है उसके लिए अलग नियम बताऊंगा और एक का हर असमान है उसके लिए अलग नियम बताऊंगा। तो चलिए पहले इसको शुरू करते हैं, यानी कि जब हर अगर समान हो तो दोनों हर के बदले एक लिख देंगे, यानी कि पाँच दो है तो एक लिख देंगे और ऊपर का जो कहते हो उतार देंगे। यानी कि चार घटा दो कर देंगे और इसके बाद घटा कर लिख देंगे, यानी कि चार में से दो घटेगा तो कितना हो जाएगा, दो और ये पाँच का पाँच। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों अगर ये हर असमान हो उसके लिए देखिए ये आठ और छः का पहले लघुत्तम निकाल लेंगे, यानी कि आठ और छः का लघुत्तम निकालेंगे तो यानी कि दो गुणे चार गुणे तीन आएगा, यानी कि दो चौके आठ और अड़तीली के चौबीस, यानी कि हमें एलसीएम कितना आया हमारा चौबीस। तो देखिए ये एलसीएम को यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे यही समझना है, पहले एलसीएम निकालेंगे हर का और एलसीएम निकालने के बाद में एलसीएम को लिख देंगे और इसके बाद देखिए हर से भाग देंगे, यानी कि आठ में चौबीस का भाग देंगे तो कितना आएगा अड़तीली के चौबीस, और अड़तीली के चौबीस यानी कि तीन बार में जाएगा तो तीन का पहाड़ा पांच बार पढ़ेंगे, यानी कि तीन से पाँच में गुणा करेंगे, यानी कि अंश से गुणा करेंगे तो तीन पाँचे पंद्रह आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये घटाव का चिन्ह है तो घटाव लिखेंगे और फिर भाग देंगे चौबीस में छः का, तो छः चौक के चौबीस कितना आएगा चार आएगा, भाग चार आया तो चार में हम अंश से गुणा करेंगे, यानी कि चार तिहाई बारह, और इसके बाद घटा कर लिख देंगे, यानी कि कितना आया पंद्रह में से तीन घटेगा तो कितना आया पंद्रह में से बारह घटेगा तीन आएगा और ये चौबीस चौबीस, यानी कि तीन बटा में चौबीस हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।